दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत ही बड़ा न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा CUET UG का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं और आप सही देख भी रहे हैं और सही चैनल पे भी हैं। तो सही चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है CUET 2022 का और इसमें पूरा देखिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आप बताऊंगा, छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। इसके साथ साथ आपको कैसे तैयारी करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको इंफॉर्मेशन भी दूंगा और तैयारी करने का प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये टेस्ट होने जा रहा है। आपको यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीकिंग एडमिशन टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, बहुत तरीके की यूनिवर्सिटी है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ हो सकता है कि इसी के बेस पे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो, प्राइवेट में भी एडमिशन हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैसे जामिया हमदर्द है उसमें भी इसका स्कोर से एडमिशन हो। तो बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, देखिए फॉर्म ओपन हो रहा है 2 अप्रैल से, बहुत बड़ी बात है, डेट पक्की आ गई है, 2 अप्रैल से फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल तैयार हो जाइए और 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 1A है, सेक्शन 1B है, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 19 है, सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। अब देख लीजिए यहां पे बिल्कुल इस चार्ट पे आपको सब चीज क्लियर हो गया कि सेक्शन 1 देखिए 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, यानी 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 ही क्वेश्चंस का आंसर करने होंगे, यानी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, बहुत ऑप्शन मिल रहा है। तो खुशी की बात है, इस पर लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों यारों को शेयर भी करते रहिएगा और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। हर सेक्शन को चूज करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, सेक्शन को चूज करना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये भी सेक्शन 2 भी 45 मिनट का होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चंस बनाने होंगे 50 क्वेश्चन में से। सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है ये 60 मिनट्स के होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 60 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। सिलेबस दे रखा है कि सेक्शन 3 में क्या होगा कि जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, जनरल नॉलेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप लोग घबराइएगा मत। उसके बाद सेक्शन डोमेन का होगा, इसमें सिर्फ 12वीं ओनली, देखिए 12वीं सिलेबस ओनली, 11 का नहीं पूछा गया, पिछले वीडियो में मैं बता दिया था, बिल्कुल प्रूफ के साथ सिर्फ 12वीं के क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड रह जाएगा, उसके बाद लैंग्वेज का आप जानते हैं, लैंग्वेज में आपको लिटरेसी एप्टीट्यूड होगा और वोकैबुलरी होगा। तो आपको पूरा सिलेबस आपको बता दिया है, बिल्कुल लाइक तो बनता है दोस्तों, कहां पे तैयारी करना है ये बहुत जरूरी है। देखिए पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशंस होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन 2 अप्रैल से हो रहा है। इसके साथ साथ आपको क्लास 12 बोर्ड के सिलेबस से सिर्फ उसी से आएगा, 11 नहीं आएगा। अटेम्प्ट्स अभी जो इस साल जो 12वीं करने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहां पे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए फॉर्म भरने के साथ साथ तैयारी करना भी जरूरी है। दोस्तों CUET के बेस्ट तरीके से तैयारी करवाई जा रही है अनअकैडमी पे, फ्री में लाइव मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, हर सप्ते ये टेस्ट हो रहा है, सुबह 10 बजे से 2 घंटे का टेस्ट हो रहा है। देश के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे BHU, JNU, DU में एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों टॉपर भी कहते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तभी आप टॉप कर पाएंगे और तैयारी करने का बेस्ट माध्यम है टेस्ट, तो फ्री में टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट आपको फ्री में कैसे मिलेगा ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको अभी से अगर एनरोल करते हैं अनअकैडमी में तो आपकी बोर्ड की भी तैयारी होगी, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ आपको CUET का भी तैयारी करवाई जा रही है अनअकैडमी पे। देखिए एक तीर से 2 निशाना, तो CUET पार्ट 1 जो बेस्ट फैकल्टी अपने देश के विनीत रमेशर जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, दीपांशु गर्ग सर है जो कि लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे, रॉबिन शर्मा सर जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे और शिप्रा मिश्रा मैडम इंग्लिश आपको पढ़ाएगी। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये जो साइंस है बायोलॉजी है तो यूजी साइंस के लिए CUET में अगर आप अप्लाई करते हैं तो विनीत रमेश सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, संगीता खत्री मैडम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगी, भावना पुरी मैडम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी, मनोज कुमार सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। चाहे तो आप पार्ट ए का सब्सक्रिप्शन अलग से ले सकते हैं और पार्ट बी का अलग से ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज फ्री कब होगा, जब हमारा कोड TBIT10 आप अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, पार्ट ए का भी अलग, पार्ट बी का भी अलग, कॉम्बो का भी अलग और टेस्ट सीरीज का भी लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों बोर्ड के साथ साथ आप CUET की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं और देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है टॉप एजुकेटर से, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगा, बेस्ट कोचिंग मिलेगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, अच्छे टीचर्स है, अच्छे फैकल्टी है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल रिलायबल प्लेटफॉर्म है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देके जा रहा हूं, लिंक पे जरूर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फ्री तो जरूर करके अभी जाइएगा।